जी नाजी इस वक्त मौजूद हैं अज़र बादशाह जो कि प्रेसिडेंट हैं सदीक ट्रेड सेंटर के। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वाह सलाम शाह जी, ईद उल अज़हा आ रही है, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? ईद उल अज़हा के मौके पर मैं अपने तमाम ताजर बरदरी और अहले इस्लाम को सबको मैं मुबारकबाद दे दूँगा, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को सब हम बड़े जोश खरोश से हर साल मनाते हैं और साल भी मनाएँगे इंशाल्लाह ताला। जबकि कोरोना के बायस कई चीज़ें अभी भी पाबंदी है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और इस मैं सबको यही कहूँगा कि SOPs का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये चौथी लहर की जो आवाज़ उठ रही है ये इसको सीरियस लें, ताकि हम ईद जो ईद उल अज़हा अच्छे तरीके से मना सकें, क्योंकि ईद उल अज़हा के बाद मुहर्रम भी आने हैं तो ये इत्तेमाद होने ही होने हैं, तो इनको रोका नहीं जा सकता। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही गुजारिश है कि SOPs पे पूरा अमल दरामद कराया जाए और मिताज बरदरी को एडवांस और ख़ास तौर पे अहले इस्लाम को पाकिस्तान को पूरे को ईद उल अज़हा मुबारक हो बहुत बहुत। आखिर में मैं एक ये भी मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम ताजर बरदरी और जितने भी उस्ताद के लोग हैं, ये अपने फ्रिजों में गोश्त को ना भरें, क्योंकि गर्मी भी है, इससे डायरिया होने का भी खदशा है, तो लिहाजा ये गरीबों में बांटें, ये नहीं कि एक दूसरे के, और ख़ास तौर पर जिसने कुर्बानी दी है उसके घर बेशक ना भेजें, कोशिश करके उनके घर लाजमी भेजें जिन्होंने बेचारों ने कुर्बानी नहीं दी या वो चाहते हैं कि उनके घर गोश्त आए।